पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप में मैं आपको इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताता हूँ तथा शैव में दोनों जगह यह प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधन कहा गया है, यानी कि सारी सिद्धियां इस पंचाक्षर मंत्र से प्राप्त की जा सकती है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार है और मोक्ष प्रदान करने वाला है, और भगवान शिव की आज्ञा से ही यह पंचाक्षर मंत्र सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि यह शिव स्वरूप वाक्य है। और पंचाक्षर मंत्र नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न और निर्मल करने वाला और सुनिश्चित अर्थ वाला, यानी कि निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा भगवान शिव का गंभीर वचन भी है, उनकी वाणी भी है। इसलिए इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण करना चाहिए, प्रसन्नतापूर्वक उच्चारण करना चाहिए। और भगवान सर्वज्ञ भगवान सदाशिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों को सिद्ध करने के लिए ही नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है, और ओम को संपुटित करने से यह षडाक्षर मंत्र बनकर के और शक्तिशाली बन जाता है। यह आदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट वृक्ष के बीच में महान वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार से संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषधि रोगों का स्वभावतः शत्रु होती है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार के दोषों दुखों के स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं। और यदि ये भगवान विश्वनाथ नहीं होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ होती है और जीवात्मा अज्ञानी होती है। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले भगवान शिव ही है, क्योंकि प्रकृति से लेकर के परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ तत्व है वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है, और जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है, उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा भगवान शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्व की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे रोगों वैद्य के बिना सुख से रहित क्लेश को उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने के कारण ही संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश और दुख भोगते हैं। इसलिए ऐसे सदाशिव भगवान शिव की उपासना क्यों न की जाए। अतः यह सिद्ध होता है कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले भगवान स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण भगवान सदाशिव विद्यमान है, और रवि प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित है और स्वभाव से ही निर्मल है तथा सर्वज्ञ और परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। सेवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है, और वे शिव अभिधेय वाच्य है, और अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। और ओम नमः शिवाय यह जो षड अक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान और इतना ही परम पद को प्राप्ति के लिए सुलभ है। यह भगवान शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र को अवश्य ही जगत के हर प्राणी को, भगवान शिव के हर भक्त को और सिद्धि प्राप्त करने के लालसा रखने वाले उस व्यक्ति को, साधक को अवश्य ही इस पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। वैसे पंचाक्षर मंत्र को 1,25,000, 5,00,000, 11,00,000, 21,00,000, 51,00,000 और 1 करोड़ की संख्या में सिद्ध किया जाता है। और जैसे जैसे साधक
शुरुआती समय में 1.25 लाख मंत्र का या 5 लाख पंचाक्षर मंत्र जप का अगर संकल्प लेता है तो उसे 5 लाख पंचाक्षर मंत्र 1 महीने या 1.25 महीने में कर लेने चाहिए। कुछ लोग एक साथ बैठ करके 100 या 200 माला करते हैं, कुछ लोग 50 सुबह 50 शाम को इस प्रकार से माला करते हैं, कुछ लोग पूरी रात्रि भर बैठ करके सावन के महीने में जप किया करते हैं। तो इस प्रकार से कई लोग अलग अलग प्रकार से पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध किया करते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग प्रकार के लाभ हैं और उनके लाखों की संख्या में मंत्र जप करने के पश्चात में जो सिद्धियाँ बताई गई है वह उन सिद्धियों की तारीफ करना सुलभ नहीं है, क्योंकि उनको अक्षरों में लिखा जा ही नहीं सकता। इतने लाभ और इतनी सिद्धियां उस साधक को प्राप्त होती है जो कि 5 लाख की संख्या में पंचाक्षर मंत्र जप कर लेता है। और जैसे जैसे व्यक्ति 5 लाख की संख्या को के करीब पहुंचने लगता है, वैसे वैसे ही कई प्रकार के अलौकिक सिद्धियाँ उस व्यक्ति को सुलभ होती है, यानी कि पूर्वाभास का ज्ञान होना, जिसमें कि साधक को होने वाली घटना का पहले ही मालूम पड़ जाना, इसे पूर्वाभास की सिद्धि कहा जाता है, जो कि मालूम पड़ जाती है। इसके अलावा इसके साथ साथ में व्यक्ति का एक के अलावा दूसरे अन्य रूपों में दूसरे व्यक्तियों को दिख जाना, इसे भी एक प्रकार की सिद्धि कहा जाता है। मगर यह सिद्धि कम से कम 21 या 51 लाख पंचाक्षर मंत्र जप के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसे में साधक एक स्थान पर बैठ करके अपने किसी मित्र या परिचित को उसी स्थान पर जाकर के बातचीत कर सकता है, अपना स्वरूप दिखा सकता है, प्रकट कर सकता है, जो कि सिद्धि इन संख्या में मंत्र जप करने से प्राप्त होती है। इसके अलावा व्यक्ति के रोगों से मुक्ति, यानी कि 5 लाख की संख्या मंत्र जप करने वाला साधक किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं रह सकता है, कोई रोग उसके पास आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यह मंत्र रोगों का शत्रु भी माना गया है। तो इसलिए इस मंत्र के अगर 5 लाख संख्या में मंत्र जप कर लिया जाए, हर प्रकार के रोगों से और शत्रुओं से भी उस साधक को मुक्ति मिल जाती है, बशर्ते नित्य नियमित रूप से मंत्र जप किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपने 51 माला से मंत्र जप शुरू किया है, तो आप नित्य 51 माला करें, 51 से कम ना करें। मंत्र जप को बढ़ाया जा सकता है मगर घटाया नहीं जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप 100 माला नित्य करने का लक्ष्य रखते हैं तो आप 100 माला नित्य करें। इस प्रकार से यह मंत्र जल्दी सिद्ध होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करने से ही व्यक्ति 5 लाख या 10 लाख के मंत्र जप के आंकड़े को पार कर सकता है, और ऐसा करने के बाद ही वो सिद्धियाँ उसके लिए करीब होती है, अन्यथा वो सिद्धियाँ बड़ी दूर हैं। इसके अलावा दूरदर्शिता की सिद्धि भी प्राप्त होती है, यानी कि व्यक्ति को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि होने वाला क्या है और सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। और 10 लाख मंत्र जप की संख्या को पार करने के पश्चात में साधक भूत भविष्य वर्तमान त्रिलोकान का ज्ञाता हो जाता है, यानी कि व्यक्ति अपने मुख से जो बात बोल देता है तो वो बात ही फलित हो जाती है, यानी कि वो ही सत्य हो जाता है और वो सत्य सामने दिख भी जाता है। इसलिए ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी सिद्धि और उपलब्धि मानी जाती है, जो कि पंचाक्षर मंत्र के 10 लाख मंत्र जप करने से प्राप्त हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान करने की प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, इस मंत्र की सिद्धि से ही वो सिद्धि वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जो कि मुनि और ऋषियों के लिए भी अति दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए यह मंत्र बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली माना गया है। इसके अलावा वाचा सिद्धि वाक्य सिद्धि भी इससे प्राप्त हो जाती है, यानी कि अगर व्यक्ति जो 10 लाख की संख्या में पंचाक्षर मंत्र जप को सिद्ध कर चुका है, व्यक्ति अगर किसी भी बात को किसी भी संकल्प को किसी के सामने बोलता है, वो संकल्प पूर्ण होकर के ही रहता है, जिसे संकल्प सिद्धि कहा जाता है, तो संकल्प होकर ही रहता है, उसका कहा गया वाक्य कभी झूठा हो ही नहीं सकता, ऐसी वाक्य सिद्धि वाचा सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और जब ये संख्या पार करते करते व्यक्ति 11, 21 या 51 लाख तक पार कर जाता है, तो व्यक्ति धरती लोक पर इंद्र तुल्य बन जाता है,
यानी कि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे सुलभ ना हो सके। सब कुछ भगवान सदाशिव की कृपा से उसे प्राप्त हो जाती है और आदि कैलाश पर विराजित भगवान शिव के साक्षात उस व्यक्ति को दर्शन हो जाते हैं जो कि इन लाखों की संख्या में पंचाक्षर मंत्र जप कर लेता है। इसमें किसी प्रकार का मिथ्या वाक्य नहीं है, यह बिल्कुल सदा ही सत्य है, सत्य है और सत्य ही है। इसलिए इन पंचाक्षर मंत्र का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर प्रकार के कार्य सिद्धि के लिए, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी तक की प्राप्ति के लिए पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख या 11 लाख की संख्या में मंत्र जप लगातार करना आवश्यक है। ऐसा करने से अवश्य ही उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी मनोकामना अवश्य भगवान शिव पूर्ण कर लेते हैं। और श्रावण के महीने में पंचाक्षर मंत्र यानी कि शिव उपासना का जो मास होता है वो श्रावण मास होता है। इस महीने के अंदर किसी भी सोमवार के दिन जो व्यक्ति मंत्र जप शुरू कर लेता है, और रुद्राक्ष की माला से ही मंत्र जप करना चाहिए, और इसी दौरान व्यक्ति अगर पंचाक्षर मंत्र का जप शुरू कर लेता है और नित्य वह 21 माला से शुरू करे, उसके पश्चात धीरे धीरे वह अपनी माला को संख्या को बढ़ाता जाए और उसके पश्चात में 51 या 100 माला का लक्ष्य रखे और उसके पश्चात नित्य ही 100 माला का जप करता रहे। इस प्रकार से सावन के महीने में भी अगर जो व्यक्ति नित्य 100 माला कर लेता है, उसे भी अवश्य ही भगवान शिव की कृपा से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके जीवन की बाधा दूर होती है, क्लेश दूर होते हैं, उसके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों ही पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। लहसुन प्याज मांस मदिरा इनसे सर्वथा श्रावण के महीने में दूर रहना चाहिए और नित्य पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और भगवान शिव का सच्चा भक्त वो होता है जो रुद्राक्ष की बनी हुई माला को धारण करता है, अपने दोनों हाथों में अघोर मंत्र को बोल करके रुद्राक्ष धारण करें और अपने गले में रुद्राक्ष का हार धारण करें। और बुद्धिमान साधक भगवान शिव का सच्चा भक्त परम भक्त अपने सिर पर 500 रुद्राक्ष का बना हुआ मुकुट धारण करता है और वह सदाशिव के समान सर्वव्यापी बन जाता है। इस प्रकार से रुद्राक्ष की भी बड़ी ही महिमा बताई गई है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी भगवान शिव से हुई है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने का भी बड़ा विशेष महत्व है और भगवान शिव के भक्त को तो रुद्राक्ष हमेशा धारण करना ही चाहिए। और इसके अलावा पंचाक्षर मंत्र जप की सिद्धि का महत्व मैंने आपको बता दिया है, जो कि 5 लाख 10 लाख 11 लाख 21 लाख या 51 लाख की संख्या में होता है। और 51 लाख की संख्या या 50 लाख की संख्या के बाद में पंचाक्षर मंत्र जब अगर साधक करता रहता है तो वो धरती पर देवतुल्य ही हो जाता है, यानी कि वो संत ही नहीं एक महासंत बन जाता है, वह महापुरुष ही नहीं अत्यंत महापुरुष बन जाता है। इंद्रतुल्य व्यक्ति का सम्मान उस व्यक्ति का होता है, राज्य का स्वामी बनने का अधिकारी भी वो बन सकता है, किसी बड़े पद पर यानी कि उस राष्ट्र के बड़े पद पर आसीन होने की शक्ति भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो कि उस संख्या के आंकड़े को पार कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। मगर बातें करने से साधना और सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, कड़ी मेहनत और तपस्या तप करने से ही ये सिद्धियां प्राप्त होती है। राजर्षि भागीरथ ने भी इसी मंत्र की सहायता से हिमालय में जाकर के कठोर तपस्या की थी और उन्होंने सर्दी गर्मी वर्षा आदि सब प्रकार के ताप सहन करते हुए कई वर्षों तक तपस्या की थी, तब कहीं जाकर के भगवान शिव प्रकट हुए थे और वो गंगा को धरती पर लाने में सक्षम हुए थे। इसीलिए तपस्या और तप के बिना हर प्रकार की सिद्धि पाना नामुमकिन होता है और किसी भी तपस्या या तप को करने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनना पड़ता है। और शुरुआती दिनों में कम से कम 1 लाख 2 लाख और 5 लाख की संख्या में मंत्र जप निरंतर करना चाहिए जब व्यक्ति तप की श्रेणी में आता है। उसके पश्चात वह तपस्या की श्रेणी होती है जिसमें व्यक्ति 10 लाख के आंकड़े को पार करता है और निरंतर कम से कम 100-200 माला करने वाला व्यक्ति ही इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। कई महापुरुष तो 500 माला तक रुद्राक्ष की इस पंचाक्षर मंत्र को नित्य सिद्ध किया करते थे, जिससे कि वह सिद्धियां जल्दी उनको सुलभ हो जाती थी। धन्यवाद।